दोस्तों इरफान पठान ने कर दिया कमाल, लगाए 9 छक्के 20 ओवर में 229 रन के टारगेट का बनाया खिलौना। गौतम गंभीर की इंडिया कैपिटल को मिली करारी हार। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में जहां सभी फैंस 19 नवंबर को टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं इसी बीच रांची में शुरू होने वाली लीजेंड लीग क्रिकेट के पहले मुकाबले में इरफान पठान ने अपने बल्ले से तबाही मचा डाली। गौतम गंभीर की कप्तानी वाली इंडिया कैपिटल्स के सामने 20 ओवर में 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इरफान पठान ने अंत 19 गेंदों में 1 चौके और 9 छक्कों से 65 रनों के नाबाद पारी खेली, जिससे उनकी टीम भिलवाड़ा किंग ने 19.2 ओवर में ही टारगेट हासिल करके 3 विकेट से जीत हासिल कर डाली। रांची के मैदान में गौतम गंभीर ने भी अपनी टीम कैपिटल के लिए ओपनिंग करते हुए 35 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्कों से 63 रनों की पारी खेली, जबकि 31 गेंदों में 5 चौके और 4 छक्कों से किर्क एडवर्ड ने भी 59 रन बनाए, जिसकी बदौलत गंभीर की कप्तानी वाली टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 228 रन बना पाई। वहीं दोस्तों इरफान पठान की ताबड़तोड़ पारी ने 19 गेंदों में मात्र पूरा सारा खेल ही पलट दिया। 19 गेंदों में 65 रन बनाकर इरफान पठान ने अपनी टीम को जीत दिलाई। वहीं दोस्तों आज भी अपने खेल का लोहा मनवा दिया।